जो आपकी तरफ हाथ बढ़े वो मैं हाथ काट दूंगी, जो आपकी तरफ उंगली बढ़े वो मैं उंगली काट दूंगी। आपको शायद पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चले पहले सबसे ये वीडियो देखें और ये आवाज सुने, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा तो ये आप जान गए होंगे कि मैं आज किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इनका जो पिछले मुजफ्फरगढ़ के हल्का 170 से इलेक्शन के लिए उठी थी और ये हार भी गई। गलबल इन्होंने मेरे ख्याल में 62,000 वोट लिए थे और जो जीतने वाले थे आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई की तरफ से थे उन्होंने लिए थे। अच्छा तो इन्होंने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से उसमें वहाँ पब्लिक सिटी की एक डिग्री भी ली है और इनको पता भी है कि फंड्स कैसे लगने। ये पहले बता भी रही थी कि जब फंड्स आएंगे तो मुझे सब पता है कि मैं जानती हूँ। अच्छा ये इधर जो अच्छा इनके वालिद का नाम जो है वो बासित बुखारी है और जो जिसके इसके कह रही थी कि मैं दादा की पोती हूँ क्योंकि ये बेसिकली एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और इनके दादा का जो नाम है वो अब्दुल्ला बुखारी है। अच्छा ये बेसिकली उधर अमेरिका में रहती थी, अभी इलेक्शन के लिए यहाँ आई हैं या लाई गई हैं, मैं उस बहस में नहीं, लेकिन इनके जो अल्फाज थे वो आप सुने। मचाल है कि वो यहाँ की चोरियां करे, यहाँ पर डकैतियां डाले, शरीफ हैं चुप कर जाते हैं, अपनी पर आ जाते हैं ना जब शिल्पा तो गुंडा गर्दों को ना घर भेज देते हैं। माशाल्लाह हमारे सदर को हमारी कमजोरी ना समझे, जानते हम भी बहुत कुछ है। लोगों लगता है बीबी नहीं आई है, बीबी को कुछ नहीं पता, तुम्हें सब पता है बीबी, हमको भी सब पता है असल क्या है। क्या करेंगी, ये बातें हम 40 साल से सुन रहे हैं। मैं जितने फंड्स ला सकती हूँ, ये जो माइक पकड़कर साकेत हो जाते हैं वाह 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 वाह, जो यहाँ आपसे नहीं बात कर सक रहे आपके फंड्स मांग के आएंगे। अच्छा अब देखे ना, हमें पता है हम पे कितने फंड लगते हैं, सारे पाकिस्तानियों को पता है। हमें जब ये इलेक्शन आते हैं ना तो ये हमें सब्ज बाग दिखा के आपकी एक गली बना ली, वही पैसे भी हमारे होते हैं कहते भी। अब भी बीबी की गुफ्तगू सुने ना, मीडिया पे भी काफ़ी इनका चर्चे हो रहे हैं। अब ये किस तरह वो चंद जो बुजुर्ग बैठे हैं उसमें पढ़े लिखे आदमी बैठे हैं वो सुना रही है कि मुझे पता है फंड कैसे लगाऊंगी, मुझे पता है कोई मई कला ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, ये पता नहीं। मैं हैरान हूँ लोगों पर जो इनकी बातों पर हंस नहीं रहे, मुझे तो सीधी बातें हंसी आती है। अब ये अमेरिका से आई है, तकरीबन इसको 4 माह हुए हैं अमेरिका से आए हुए, सिर्फ इलेक्शन के लिए आई है। अच्छा उस सिरे देखे, इसका रहन सहन देखे, इसका लिबास देखे, बिल्कुल यूरोप की तरह है और इधर आके दुपट्टा पहन लिया। यहाँ तो यानी कि यहाँ के यहाँ हमारे माशरे में उनको पता है कि जो बापर्दा औरत है उसे बातें नहीं की जाती, जो बेपर्दा औरत होती है उस पर माशरा यानी कि बातें करते हैं। अब ये देखें ये कितने लोग हमको कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। उधर से अमरीका में रहती थी, पता नहीं कितनी 24-25-28 साल उम्र होगी इनकी, 28 साल है। अच्छा वहाँ से अब 4 माह हुए यहाँ से इनको प्लांटेड किया गया, इधर 4 माह हो गई है, जा के किसी मोहल्ले में अपने मुजफ्फरगढ़ के गढ़ के एरिया में जाके उधर कैंपेने करती है और ऐसी ऐसी बातें करती है। मैं ये कर दूंगी, आपकी तरफ अगर कोई हाथ बढ़ा मैं फंड लगाऊंगी, चाचा जी आपको कोई फिक्र नहीं करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सड़कों का जाल बिछा दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। कितने बेवकूफ़ हैं हम, कितने बेवकूफ़ हैं ये जो सामने बैठे थे यार, हमको इन्होंने फुद्दू समझा हुआ है। हम क्या इस दुनिया में नहीं रहते कि आप बीबी आप रहती तो उधर थी, उधर आपका वो लिबास इधर तो पहन के दिखाएं, अब ये दुपट्टा सर पे आ गया। अब मैं हैरान हूं जो बंदे सामने बैठे हैं। लोगों लगता है बीबी नहीं आई है, बीबी को कुछ नहीं पता, ए आ गई है भाई, अमेरिका तो आ गई है, क्या करेंगी, पढ़ी लिखी हूं, शौर रखती हूं, मैं जितने फंड्स ला सकती हूँ, ये जो माइक पकड़ कर साकेत हो जाते हैं वाह 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 वाह, जो यहाँ आपसे नहीं बात कर सक रहे आपके फंड्स मांग के आएंगे। हाँ। अब ये फरमा रही है बीबी के मैं फंड ला सकती हूँ और दूसरे जो वाह वाह करते हैं यानी कि बक बक करते हैं, इनको पता भी है कि अब इमरान खान ने अवाम को शोर दे दिया है, सबको आ गया कि फंड हमारे कहाँ आते हैं, कहाँ लगते हैं, कहाँ लगने चाहिए, कौन खाता है। अच्छा आगे सुने इसकी गुफ्तगू में, फिर उसके आगे फिर ऐसे बंदे चुने, पढ़ी लिखी हूँ, हस्बी नस्बी। अब देखें हस्बी नस्बी सैयद हूँ, उनको पता है कि मुजफ्फरगढ़ के लोग या सैदों की बहुत इज्जत करते हैं। ये देखें ना हमारे किस तरह ये वीक पॉइंट हमारी कमजोरियां ढूंढते हैं, हमारी कमजोरियां ये जैसे आप सैयद इज्जत करते हैं
लोग सैयद को झुक के मिलते हैं, सैयद का एहतराम करते हैं। और कमजोरियां देखें, फंड फंड हमारे टैक्सेस के होते हैं, हमारे खुद अपने टैक्स देते हैं हम, पैसे भी हम हमारे होते हैं और ये एहसान भी हम पे जताते हैं कि मैंने आपको गली बना दी, ट्रांसफार्मर लगा दिया और कहे क्या पाकिस्तान की सियासत में। और इन इन कितने बेवकूफ़ बनाएंगे हम। अच्छा, ये इसकी गुफ्तगू आप सोशल मीडिया पे या फेसबुक यूट्यूब पे ट्विटर पे जहाँ भी देखें आप, मुझे तो सीधी बात है हंसी आती है, इन्होंने हमको समझा क्या हुआ है। फंड लगाते हैं, लारा देते हैं कि फंड लगाएंगे, फंड किसके होते हैं हमारे, यानी कि ये हम पे एहसान करते हैं कि हम आपको फंड देंगे और हमें पता है कौन से यहाँ पे फंड लग रहे हैं, कौन सी गली है जो हमारी ठीक है, कौन सी सड़क है जो हमारी ठीक है। कोई और बात करने नहीं आई, आगे सुने, आगे पहले सड़क बनेगी, उसी सड़क पे गाड़ी मेरी आएगी इंशाल्लाह, इसका काम खुद करवा कर। ये तो जब आप जीत जाते हो ना, आप में इतना गरूर आ जाता है कि आप हमें, हम लोगों को देखना भी गवारा नहीं करते। आजकल जब इलेक्शन कंपेनें चल रही थी तो किसी की फौत की किसी की गमी खुशी सड़क पे ऐसे झुक के मिलते थे, हम तो कहते यार ये वही बंदा है जो अपनी ओडी में प्राडो में मर्सिडीज में बैठ के जाते, हमें तो देखता भी नहीं है, लोग इसको झुक के मिलते हैं तो किसी की तरह। लेकिन जब इलेक्शन के दिन आते हैं ये लोग हमें इतने सरसब्ज बाग दिखाते हैं, हमें इतनी वो दिखाते हैं कि इस शहर को हम यूरोप बना देंगे, अमेरिका का शहर बना देंगे, चाइना का चाइना सिटी बना, हमें सब पता है, पूरा निज़ाम को पता है, ये लोग सिर्फ। अच्छा आगे सुने ना, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, हाँ सुने, ये सुने, थोड़ी स्पीचेस मैं कहती हूँ इज्जत बख्शी लोगों ने वायरल कर दिया। अच्छा दादा से मुझे बात याद आई कि दादा इनके अच्छे हो, अभी इनमें कोई इस बीबी में कोई क्वालिटी नहीं है, सिर्फ दादा की पोती हूँ, दादा की पोती हूँ। और जैसे फिर पार्टी वाले हमारे कहते हैं भुट्टू 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 भुट्टू, आज भुट्टो जिंदा है, कल यार मरे हो को हमने क्या करना है, पहले जिंदों को तो देखो, जिंदों को अस्पताल देखो, जिंदों की गलियां तो देखो, जिंदों का रहन सहन तो देखो, जिंदों की माशी मुश्किलात तो देखो, बस मरे हो पे वोट लेते हैं, वो जैसे थे वो गुजर गए चले गए। ये हर वक्त इनकी जो भी वीडियो होती है, मैं अपने दादा की पोती हूँ, मैं अपने दादा की पोती हूँ, ओ मेरी बहन, ओ मेरी छोटी बहन, दादा थे वो गुजर गए, अपना अपना आप दिखाओ कि मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा कर सकती हूँ, ये मेरी पॉलिसी है ये। आप अच्छा जिस नून लीग की ये जो जिस उससे उठी थी, आप उस नून लीग को देखें, वो कितने अरकान जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, कितने उसने नून लीग के बहुत से हार गए, बस हार गई हैं, ये तो हार गई। लेकिन ये दूसरों का हवाला देना, अपनी पॉलिसीज अपनी वो सामने रखें, अपना करेक्टर अपनी अपना हर चीज सामने रखें। आगे सुने ना, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। मेरे दादा के जाने से हमारा नुकसान नहीं हुआ, बहुत बड़े बड़ों का नुकसान हुआ है। अपनी दादा की पोती हूँ, सैयद खून रखती हूँ, सैयद हाँ अल्लाह को हक हाजिर नाजिर जान के कसमें उठा रही है कि खिदमत करने आई हूं, और वो भी 4 महीने पहले अमेरिका में रहती थी, उधर पली बड़ी, खिदमत करने यहां आई हूं, रहते वहां हैं, इलेक्शन के दिनों में माल पान इंजॉय करने यहां चले आते हैं। दादा की पोती रहती अमेरिका में थी, अभी आई है खिदमत करने। ये सब कोई अमेरिका से आता है, कोई बरतानिया लंदन से आता है हमारी खिदमत करने के लिए, हमारे मुल्क को, बस मैं वो अल्फाज नहीं बयान करता।